हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है हमारी, उसके प्रैक्टिस सेट 27 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 MCQs। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव और अम्ब्रेला एक्ट, यानी कि प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत में कई अधिनियम हैं। निम्नलिखित में से एक अधिनियम को व्यापक या फिर अम्ब्रेला एक्ट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से वो एक्ट है ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये पास हुआ था कब, 1986 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, इंडियन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कोटिपाकोटी हैज़ हाउ मैनी जीरोज़, यानी कि भारतीय पारंपरिक गणित कोटिपाकोटी में कितने शून्य हैं। इसमें है ऑप्शन ए 21 जीरोस, जहां पर फ्रेंड्स 21 जीरोस हैं किसके बाद में, एक के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस, यानी कि डैश एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे की आवाजाही को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें से वो इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ऑप्शन सी बेसल कन्वेंशन, जहां पर फ्रेंड्स बेसल कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 21 मार्च 1989 को, और कब लागू हुआ, 5 मई 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वाज द ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामेरियन, यानी कि सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरणविद कौन था इनमें से। इनमें से वो थे ऑप्शन सी पढ़नी, जो कि ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामेरियन थे, और पढ़नी को जाना जाता है उनके टेक्स्ट अष्टाध्यायी के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है, डैश वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द बुद्ध एंड द इंडियन किंग बिंबिसार, यानी कि डैश बुद्ध और भारतीय राजा बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे। इनमें से वो थे ऑप्शन डी जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ज्वानजांग हिमसेल्फ बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी डैश, यानी कि ज्वानजांग स्वयं डैश का अध्ययन करने के लिए नालंदा का छात्र बन गए। ज्वानजांग बन गए स्टूडेंट किसका, नालंदा का, स्टडी करने के लिए। इनमें से ऑप्शन है योग शास्त्र को। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे। इनमें से वो थे ऑप्शन है शीलभद्र। शीलभद्र एक बुद्धिस्ट मॉन्क और फिलोसोफर थे, यानी कि एक बौद्ध साधु और दार्शनिक थे, और इसके अलावा ये पर्सनल ट्यूटर भी थे किसके, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे ज्वानजांग, उनके पर्सनल ट्यूटर भी थे। क्वेश्चन नंबर एट है, हु मेंशनड शीलभद्र वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योग। इनमें से वो थे ऑप्शन ए ज्वानजांग। ज्वानजांग ने मेंशन किया कि शीलभद्र हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे, यानी के सर्वोच्च जीवित अधिकारी थे किस में, योग में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शामिल पार्टियों की संख्या के आधार पर संचार में से एक है।
इनमें से वो है ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10th है, वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकसेस ऑन डैश, इनके संचार को परिभाषित करते समय मिलर डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। ये फोकस करते हैं ऑप्शन ए बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर यानी कि प्राप्तिकर्ता के व्यवहार परिवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको बताना है, लिमिटेशंस लेट डाउन बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड एज डैश, यानी कि शोधकर्ता द्वारा निर्धारित सीमाओं को डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन बी डीलिमिटेशंस। जहाँ पर फ्रेंड्स डीलिमिटेशंस क्या हैं, बाउंड्रीज हैं जो सेट की जाती हैं रिसर्चर द्वारा कंट्रोल करने के लिए रेंज ऑफ स्टडी को, यानी कि शोधकर्ता द्वारा अध्ययन की सीमा को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित की जाती हैं डीलिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 12th है, सोक्रेट्स हैज़ गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, यानी कि सुकरात ने सत्य की खोज की डैश विधि दी है। इनमें से वो मेथड है ऑप्शन डी डायलॉग यानी कि संवाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेन रोल ऑफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन हायर एजुकेशन इज टू डैश, यानी कि उच्च शिक्षा में यूजीसी की मुख्य भूमिका डैश की है। इसकी मुख्य भूमिका है इनमें से ऑप्शन डी प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट द सोलर एनर्जी, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इस्टेब्लिश्ड एट, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है। ये हेडक्वार्टर्स है इनमें से ऑप्शन है गुरुग्राम में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज्ड यूजिंग डैश, यानी कि मानव और जानवरों के उत्को अंगों और संक्रमित शरीर के अंगों के बायोमेडिकल कचरे को डैश का उपयोग करके निपटाया जाना है। इनमें से ऑप्शन डी इंसिनरेशन का यूज़ करके। जहाँ पर इंसिनरेशन क्या है, एक मेथड है ट्रीट करने का वेस्ट को, जिसमें शामिल है जो कंबस्जन होता है यानी कि दहन होता है किनका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यानी कि कार्बनिक पदार्थों का जो पाए जाते हैं वेस्ट मटेरियल्स में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 MCQs में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।